नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले केंद्रीय सरकार के खिलाफ विरोधी दल ने थर्ड फ्रंट बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता के नबन्नो क्षेत्रों पर ममता दीदी के साथ बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने की, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा, हम सभी विरोधी दलों को इकट्ठा होकर एक साथ बैठक कर बातचीत करनी चाहिए, जिससे 2024 लोकसभा चुनाव के पहले केंद्रीय सरकार के खिलाफ कैसे आगे बढ़ेंगे, इसी पर विशेष चर्चा को लेकर ममता दीदी के साथ यह बैठक की। आज तो बातचीत हुई गई और पहले तो हमारा संबंध इनके साथ रहा ही है, आना जाना यहाँ से हमारा बराबर होता था, तो कुछ वर्षों से तो आ ही नहीं पाए। इनसे बात हुई और आज यहाँ आने का मौका मिला तो बड़ी खुशी की बात हुई। यहाँ सब कुछ देख रहे हैं कितना इन्होंने और डेवलप कर दिया है, तो इन सब चीज़ों को और बाकी जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है, और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं, देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती रहती है, कुछ है नहीं। आप जरा सा देख लीजिए, यहीं पर आप देखिएगा तो यहाँ पर इन्होंने किया है कि दिल्ली ने किया है, तो कहीं भी चल करके आप देखिए ना कि वहां से जो काम हो रहा, इसलिए बाकी सब कुछ ये है तो देश के हित में। और लोग तो जो कुछ भी हम लोगों के देश का पुराना इतिहास है और आज़ादी की लड़ाई है, तो उन सब चीज़ों को नई पीढ़ी तक सब तक सब दिन के लिए लोगों को रहना चाहिए, तब ये लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है, और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे, यही बात हुई है। अब बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव।